ओके नाउ नेक्स्टली वी विल गो फॉर द कैपिटल मार्केट. अब एग्जैक्टली कैपिटल मार्केट होता क्या? सो मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज. अब एग्जैक्टली बेसिकली कैपिटल का जो मार्केट जो रहता है वो क्या रहता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो प्रोवाइड करता है. बट इसको प्रोवाइड कौन करता है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस ही होते हैं जो इसको एग्जैक्टली प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन क्या है, वर्ड टू वर्ड अभी हम देखेंगे. ठीक है, GHPD defines capital market as being market या फिर collection of interrelated market in which potential borrowers, ठीक है, potential borrowers are brought into contact with potential lenders. यानी क्या, जो एग्जैक्टली वाकई में दम रखते पैसे उधारी पे लेने का और उसको मीन्स एग्जैक्टली सही समय पे उसको रिटर्न बैक करने का. एंड जो इंसान जिसके पास इतना वाकई में पैसा रह सकता है जो लोगों को उधारी पे दे पाए एज पर दी कर्जे के तौर पे, ठीक है. सो इसको कहा जाता है कैपिटल मार्केट. ठीक है, अब एग्जैक्टली इसके फंक्शंस क्या अभी हम देखेंगे. सो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मेन फंक्शन क्या है, कैपिटल को फॉर्म करना, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. नाउ सेकेंड वर्ज एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर, जो लोग जो पैसे सेव कर रहे हैं जो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो उसके बाद मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल को एग्जैक्टली फॉर्म करना, दिस इज अनदर फंक्शन. उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट में हेल्प करना, दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट. नाउ कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो फर्स्टली इज अ प्रेफरेंस शेयर्स, उसी के बाद इक्विटी शेयर्स, नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसके बाद क्यूम्युलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, उसके बाद कंपनी फिक्स डिपॉजिट, वॉरंट्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, दिस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. अब एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया. जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स ये क्या रहता है, इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. इक्विटी शेयर्स होल्डर कौन रहता है, कि जिनको एग्जैक्टली जो सबसे बड़ा रिस्क बेरर होते हैं, ठीक है. उसे नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स यानी कि क्या, जो एग्जैक्टली जिनको वोटिंग के राइट्स नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है. अब एग्जैक्टली ऐसे कौन से कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट है वो भी हम देखेंगे. दैट इज अ गिल्ट एज मार्केट. अब गिल्ट एज मार्केट होता क्या है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो किसके लिए होता है, फॉर द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए गिल्ट एज मार्केट जो है वो होता है, ठीक है. अब उसके फीचर्स क्या है, ठीक है, सबसे पहला गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये गारंटी देता है ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है. नो स्पेकुलेशन ऑन सिक्योरिटीज, इसके ऊपर कोई भी स्पेकुलेशन यानी कोई भी ऐसा इंसान जो इसके ऊपर ऐसा अंदाजा अनुमान नहीं लगा सकता है वो. मेजर इंस्टीट्यूशंस आर LIC, PF एंड कमर्शियल बैंक. इसको कौन मेजर इंस्टीट्यूशंस के रहते हैं, तो LIC तो आपको सभी को पता तो होगा ही, ठीक है. उसके बाद हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें क्या होता है, हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है तो वो एग्जैक्टली हैपन्स होता है. उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, अब एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट होता क्या है, तो मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बॉन्ड एंड इक्विटीज एक्सेट्रा. अब एग्जैक्टली इसके मेन दो सेगमेंट्स क्या है, तो सबसे पहला प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी मार्केट. अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, तो जिसमें एग्जैक्टली फ्रेश कैपिटल जो है वो फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स ये प्रोवाइड करता है. एंड इट इज यूजफुल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में एक्चुअली प्राइमरी मार्केट जो वो मेनली यूज होता है, ठीक है. अब इसके कौन से मोड्स है फॉर रेजिंग द एग्जैक्टली कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है, तो फर्स्ट इज अ पब्लिक इशू और प्रॉस्पेक्टस. अब ऐसे जो भी कंपनीज है, ठीक है, वो अपने कैपिटल कैसे एग्जैक्टली रेज करती है, बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस इशू करवा के वो लोगों से पैसे लेके उससे कैपिटल जो है वो रेज करती है. इसके बाद राइट इशू, राइट इशू यानी क्या, जो राइट इशू जो रहता है वो किसके पास रहता है, तो एग्जैक्टली जो है देखा जाए तो इक्विटी शेयर्स के पास, ठीक है, वोटिंग के राइट्स होते हैं. और एग्जैक्ट कंपनी अगर दे उनको और भी जो राइट्स इशू है वो उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो और भी ज़्यादा मीन्स एग्जैक्टली कैपेबल बन पाए.
उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में एग्जैक्टली होता है, कंपनी स्पेशल शेयर्स है वो इशू करती है, और ये जो स्पेशल शेयर्स है वो सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को देती है। जैसे कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडिएट, दिस आर द थ्री मेनली ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर जो है वो इशू करवा दिए जाते हैं। उसका सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यानी क्या, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड और ट्रेडेड, दिस इज ओनली कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। यानी जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिंग होता रहता है, शेयर्स लिए जाते बेचे जाते, लिए जाते बेचे जाते, बट ऐसा प्राइमरी मार्केट में नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ न्यू जो शेयर्स है वो लिए जाते हैं फिर खरीदे जाते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या भी इसके, टू फैसिलिटेट द लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज है उसको फैसिलिट करना, कैसे, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे एग्जैक्टली प्रोवाइड करना, कंट्रीब्यूट करना थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, टू मोस्ट इफिशियंट चैनल्स। नाउ नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द इंस्टेंट वैल्यूएशन, क्या प्रोवाइड करना, इंस्टेंट वैल्यूएशन यानी उसका मूल्यांकन ऑफ सिक्योरिटीज डन इन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड टू एंश्योर मेजर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी दिस इज द मेन रीजन, योरस मेन पर्पज जिसकी वजह से लोग जो है वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनको उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फॉर दैट रीजन ओनली। सो दिस वे वी आर डन विथ आर 11th chapter, दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। ओके,